आजाद अध्यापक संघ के जिले की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन तीन मुद्दों को लेकर किया गया। पहला तो कांग्रेस सरकार के वचन पत्र में अध्यापकों के सम्मेलन की बात की गई थी, जिस पर अभी तक कांग्रेस सरकार की तरफ से शिक्षकों को कोई आदेश नहीं दिया गया है। वहीं दूसरा अनुकंपा नियुक्ति को लेकर थी। तीसरा मुद्दा गत वर्ष भोपाल में कराएगा मुंडन की बरसी को लेकर था, जो कि आगामी 13 जनवरी को है। उसे किस तरह से मनाया जाए, इस बारे में विचार विमर्श भी इस बैठक में किया गया। उधर देखो भाई, चुप रहो। इस तरफ भी 13 जनवरी का है और 13 जनवरी के दिन पिछले साल अपन लोगों ने जो आंदोलन किया था, कार्यक्रम का मैसेज पूरे देश में पहुंचा था। तो पूरे देश के इस मैसेज को लेते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपने बारे में पूरा तो नहीं सोचा, लेकिन कुछ सोचा था। और उस मुंडन कार्यक्रम के बाद आजाद अध्यापक संघ जिला गुना की जिले की मासिक बैठक है, जिसमें जैसा कि हम सबको मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में ये कहा है कि स्पष्ट की जैसे यदि हमारी सरकार आ जाती है तो हम 1994 वाला शिक्षा विभाग सभी लोगों को देंगे। अभी हमने देखा भी है कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें अध्यापकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी मांग पर अभी ना तो विचार किया गया, और हमें नहीं लगता कि शायद अभी सरकार इस ओर कुछ करने के मूड में है। तो आज हम लोगों ने वैसे तो एक मासिक बैठक है, इस मासिक बैठक में हमारे जो मेन बिंदु रहे हैं कि वो 1994 वाले शिक्षा विभाग को के संबंध में सरकार से हमने मिलने के लिए समय भी मांगा है, और ये हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जनवरी से पहले पहले हमें इस बात पर मिलाने के लिए आमंत्रित करेगी। दूसरा, हमारी जो स्थानांतरण पॉलिसी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी अध्यापक के लिए शिक्षा विभाग में यदि किसी कर्मचारी की हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। कल एक सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक आदेश जारी किया जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें यदि हमारे लिए कुछ बातें होंगी तो हम उस पर विचार करेंगे। तीसरा जो हमारा मुख्य मुद्दा था कि गत वर्ष हमने 13 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर भोपाल में हमारी चार महिला साथियों ने मुंडन का कार्यक्रम किया था, उसका एक वर्ष इस 13 जनवरी को पूरा हो रहा है, और उस मुंडन कार्यक्रम को एक वर्षीय के रूप में मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम उसको किस तरीके से मना सकते हैं।